हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? सो फाइनली, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रही थी, मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, SC/ST कैटेगरी वाले छात्रों का फॉर्म ऑनलाइन यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन पिछले 7 महीने पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो BC1 या BC2 यानी कि जो OBC के छात्र थे, उनका स्कॉलरशिप अप्लाई होना बचा हुआ था, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र कई बार हमसे पूछ चुके थे कि सर हमारा स्कॉलरशिप अप्लाई कब होगा। सो फाइनली, आप सभी का स्कॉलरशिप अप्लाई करने का डेट जारी हो चुका है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब पोर्टल ओपन होगा, कितना रुपया आपको मिल सकता है, और साथ ही साथ इसे अप्लाई करने के क्या इंस्ट्रक्शन है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीवेयर ऑफ ड्यूबियस पोर्टल। यानी ये जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल साइट है, और जो डुप्लीकेट साइट है उससे आपको बचकर रहने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल साइट का, जहाँ पे आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि यहाँ पे BC1 BC2 की बात की जा रही है, प्रवेशित तौर छात्रवृत्ति योजना 2023 अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23। जैसा कि आप सभी को पता है, 22-23 के लिए SC/ST कैटेगरी वाले छात्रों का ऑनलाइन हो चुका है। 22-23 हेतु PMS पोर्टल पे यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिया हुआ है, जिसपे आपका ऑनलाइन होना है, जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया था, एवं मोबाइल ऐप। आप चाहो तो वेबसाइट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 12/6/2023 से 15/7/2023 तक की तिथि निर्धारित की जाती है। यानी कि 12 जून से 15 जुलाई तक आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम आपको दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है इस साइट पे काफी ज्यादा लोड रहता है, जिस वजह से साइट कभी अच्छे से काम करता है कभी नहीं करता है, इस वजह से इतना ज्यादा टाइम आपको दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट भी पूरे बिहार में काफी ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही है, बाकी जो शैक्षणिक वर्ष के छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये फॉर्म अप्लाई होता है, यानी कि वैसे छात्र भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश PMS पोर्टल पे उपलब्ध है, यानी कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है इसकी और जानकारी आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कितना रुपया तक आपको मिल सकता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये ऑनलाइन जो होता है स्कॉलरशिप ऑनलाइन, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप सही से ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, और सही से ऑनलाइन रिजेक्ट के साथ साथ आपको जितना अमाउंट मिलना चाहिए उससे कभी कभी कम भी मिलता है बहुत छात्रों का। तो गलती वो करते हैं ऑनलाइन करने वक्त, तो आपको ऑनलाइन करने वक्त कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। वैसे भी जब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपको एक स्पेशली वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो अपना ऑनलाइन हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। हमने पिछली बार 50 छात्रों का फॉर्म ऑनलाइन किया था, जिसमें से 48 छात्रों का आराम से पेमेंट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। 2 छात्रों का पेमेंट आने में इसलिए प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उनके कैटेगरी में कुछ इशू था, उनके कॉलेज से कोई प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में वो इशू भी सॉल्व हो गया था और उनका पेमेंट भी आ गया था। तो ये तो बात होगी कब से कब तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बाकी क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है, अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2022-23 ओनली क्लिक ईयर, यहीं से आपका ऑनलाइन होना है। बट कब से होना है? 12 जून से। तो आपको 1-2 दिन वेट कर लेना है, उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा।
यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि वो अपना SMS, EMAIL तथा PMS पोर्टल पे अपने आवेदन की स्थिति निरंतर देखते रहे, तदनुसार आवश्यकता पड़ने पर जरूरी संशोधन अवश्य करें। यानी कि आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आप जो नंबर दीजिएगा, ईमेल दीजिएगा, उस पे आपका लॉगिन आईडी सारा चीज आएगा, और जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, स्टूडेंट नीड नॉट टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में अपना हार्ड कॉपी नहीं भी सबमिट करते हैं तो उनका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि वो अप्लाई करते हैं तो उनकी कॉलेज के पोर्टल पे सारा डिटेल रहता है। पिछली बार भी बहुत सारे छात्र नहीं किए थे लेकिन उनका पेमेंट आ गया था। ऑल द इंस्टीट्यूशन आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर स्टूडेंट्स ऑन अर्जेंट बेसिस, ए टीम इज लाइकली टू विजिट योर इंस्टीट्यूशन सून। यानी कि सभी इंस्टीट्यूट को बोला जा रहा है कि आप अपने स्टूडेंट को वेरीफाई अर्जेंट बेसिस पे कर दीजिए और आपके इंस्टीट्यूट में जल्द ही विजिट करने के लिए इनके द्वारा टीम भी जाएगा। ऑल स्टूडेंट्स शुड चेक बैंक अकाउंट स्टेटस एंड करंट बैंक अकाउंट डिटेल इन द पोर्टल बिफोर 21/1/2022। ये वैसे स्टूडेंट के लिए दिया गया है जो पहले भी इसका लाभ ले चुके हैं पुराने एकेडमिक सेशन में, ठीक है। उनका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, यानी वो बैंक स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितना पेमेंट आपको मिल सकता है इस स्कॉलरशिप के थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कोर्स देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिप्लोमा के बारे में, यानी पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कि 3 वर्षीय होता है। तो यहाँ पे आप 5 नंबर कॉलम में देख सकते हैं त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम या पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्स, यानी पॉलिटेक्निक या 3 वर्ष के इसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है उनको 10,000 रुपये तक मिल सकता है। यानी कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 10,000 रुपया तक इस स्कॉलरशिप के थ्रू मिल सकता है। अब मैंने जैसा पहले आपको बताया था, डिपेंड करता है कि आप फॉर्म अप्लाई किस तरह करते हैं और साथ ही साथ आपके फी स्ट्रक्चर पे, तो आपको सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे और भी कोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे कि आप इंटरमीडिएट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 2,000 रुपया दिया हुआ है, स्नातक के लिए दिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी ऑनर्स के लिए चाहे आपका BA हो, BCom हो या BSc हो, 5,000 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ITI वाले छात्रों के लिए भी दिया गया है 5,000 रुपया। यानी कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, इस स्कॉलरशिप के थ्रू सबको स्कॉलरशिप दिया जाता है। यहाँ पे सारे कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे डिप्लोमा, ITI सब के बारे में आपको बता दिया। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट है, कितना रुपया आपको मिल सकता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, यानी कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन थे अभी तक का मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।